सब्सक्राइब कीजिए अल्बर्ट आइंस्टाइन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड गेम्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हे गाइस, मेरा नाम है वरुण कुमार, गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने ही अल्बर्ट आइंस्टाइन यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास होने वाले छह दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइस हाउ डाउनलोड कोड जी गेम इन इंडिया। अच्छा दोस्तों, इंडिया में आप कोड जी गेम कैसे डाउनलोड कर सकते हो। गाइस कोड जी गेम, जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूंगी, ये एक तरह की जोम्बिस गेम है जो सर्वाइवल गेम। और गाइस मैं आपको बता दूंगी यार, आजकल तो देखो यार जोम्बिस गेम का ही जमाना है। हर कोई जो मतलब काफी सारी जो गेमिंग जो क्रिएटर कंपनीज है वो भी गाइस अपनी गेम्स में गाइस जोम्बिस का सीन तो ही आती है। जैसे कि गाइस एग्जांपल लेके चलते हैं हमारी इंडिया की क्या गाइस, पूरे वर्ल्ड की जो नंबर वन गेम है पबजी मोबाइल, जो कि हमारी फेवरेट गेम है, उसमें भी आपको ज़ॉम्बी मोड देखने को मिल जाता है एक अलग से, मतलब जो इवेंट मोड होता है वहां पे। तो गाइस यार इससे पता चलता है कि यार ज़ॉम्बी गेम का गाइस कितनी ज्यादा पॉपुलर है, उसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है। एक तरह की हिट गेम्स है, जिस गेम में हमें ज़ॉम्बी मोड देखने को मिलता है, ज़ॉम्बी देखने को मिलता है वो गेम गाइस यार काफी यार हमें भी ज़ॉम्बी गेम की जो मतलब पसंद आती है ज्यादा से ज्यादा। और जो ज्यादा से ज्यादा जो गेमिंग कंपनी है वो भी ज़ॉम्बी गेम को ले ही आती है, किसी भी गेम में ज़ॉम्बीज को ले ही आती है। कि तो गाइस इससे पता चलता है कि ये ज़ॉम्बीज गेम मतलब काफी ज्यादा बढ़िया है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि यार इस तरह की एक नई गेम है कोड जी, एक तरह की गाइस बिल्कुल इसके अगर हम ग्राफिक की बात करें तो एक तरह का गाइस रियलिस्टिक ग्राफिक है, जैसा कि हमारा पबजी मोबाइल का मतलब एक तरह का जो ग्राफिक है बिल्कुल रियलिस्टिक देखने को मिल जाता है। वैसे ही आपको इस गेम का भी देखने को मिल जाएगा, एक तरह की FPS गेम है, फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है। तो गाइस काफी मजेदार वाली जो गेम है। और गाइस मैं आपको बता दूं ये काफी देर पहले प्ले स्टोर पर आ ही चुकी है, बट यार काफी लोग इसे गेम मतलब इस गेम को जो है वो डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस अगर आप प्ले स्टोर पर जाते हैं तो वहां पर लिखाता है दिस गेम इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। मैं आपको पूरी की पूरी रियल इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इंडिया में इस गेम को किस तरह से डाउनलोड करेंगे और खेलेंगे। तो गाइस वीडियो के साथ बने रहेगा, वीडियो आखिर तक देखते रहिए, वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है आपके लिए। और गाइस मैं आपको बता दूंगी यार पहले दो दिन पहले मैंने इस एक गेम के ऊपर वीडियो डाली थी, डेज गोन। जैसा कि आप जानते हैं जो डेज गोन गेम है वो गाइस पीसी PS4 एक्सबॉक्स के लिए गाइस जो ज़ॉम्बीज की नंबर वन गेम है डेज गोन, वो बिल्कुल रियलिस्टिक ग्राफिक की मतलब रियलिस्टिक ग्राफिक है उसका, बिल्कुल जो नंबर वन ज़ॉम्बीज गेम है वो डेज गोन है। गाइस अभी PS4 मतलब पीसी एक्सबॉक्स के लिए रिलीज नहीं हुआ, बट जल्दी होने वाला है। बट गाइस उसका जो कॉपी वर्जन है, जी दोस्तों उस गेम का नाम है, जो उसका कॉपी वर्जन है उस गेम का नाम है कोड लाइव, वो एंड्रॉइड के लिए रिलीज होने वाला है। दोस्तों उस गेम को बना रही है आपकी फेवरेट कंपनी टेंसेंट गेम्स, जिस गेम ने आपका जो फेवरेट गेम है वो बना है पबजी मोबाइल, वही कंपनी अब है जो है कोड लाइव गेम बना रही है हमारे एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए, जो कि काफी अच्छी बात है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये भी बिल्कुल यार डेज गोन की कॉपी होगा, बिल्कुल आपको रियलिस्टिक ग्राफिक देखने को मिल जाएगा। और गाइस अब पता नहीं एक फैक्ट है कि क्या है वो, गाइस उस गेम का नाम है कोड लाइव जो डेज गोन की कॉपी है, और जिस गेम का नाम है कोड जी गाइस बेसिकली वो भी ज़ॉम्बीज गेम है, ये भी ज़ॉम्बीज गेम है। और गाइस आजकल तो हर कोई मतलब यार ज़ॉम्बीज गेम ही आ रही है, नई सी नई मतलब FPS जो फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है यार जो ज़ॉम्बीज गेम आ रही है, और गाइस उसमें गाइस कोड नाम जो है वो लगना जरूरी हो गया, जैसे वो कोड लाइव है, जो कोड जी है, ये पता नहीं एक तरह का फैक्ट या क्या है, बट गाइस अब आजकल जो ज़ॉम्बीज गेम आ रही है उसमें यार कोड नाम लग रहा है, तो ये एक तरह का फैक्ट है और गाइस पता नहीं क्या है। तो गाइस हम चलिए इस वीडियो में वीडियो की ओर बढ़ते हैं और वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि गाइस आप इंडिया में कोड जी गेम को किस तरह से डाउनलोड करेंगे और खेलेंगे। गाइस वीडियो काफी मजेदार होने वाली और हेल्पफुल भी होगी आपके लिए। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आखिर तक देखिए और गाइस पूरी देखें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। आप गाइस पहले ये जो कोड मतलब ये जो कोड जी गेम है, अगर आपने इसका जो ट्रेलर अभी तक नहीं देखा तो आप इसका जो पहले ट्रेलर है वो देख लीजिए। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इंडिया में गाइस इस गेम को किस तरह से डाउनलोड करेंगे और खेलेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो आखिर तक देख सकते हैं, वीडियो कहीं पर भी बीच में स्किप ना करें ताकि आपको बाद में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो इसे डाउनलोड करने में और खेलने में। तो चलिए मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को शुरू कर देता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सो
सो वेलकम बैक गाइस। गाइस जब आप कोड जी गेम प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जहां पर लिखा है दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। जैसे अगर आप इंडिया में रहते हो तो इस गेम को जो है वो डाउनलोड नहीं कर सकते। जहां पर अगर आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो जहां से मतलब आपको इंस्टॉल की ऑप्शन नहीं आएगी गाइस, उसकी जगह एक पॉपअप आ जाएगा इस तरह का गाइस कि दिस गेम मतलब दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। गाइस कि अगर आप इंडिया में रहते हो, आपकी जो कंट्री है वो इंडिया है, तो आप इस गेम को नहीं जो है वो डाउनलोड कर सकते क्योंकि ये अभी जो गेम है जो आपकी कंट्री इंडिया के लिए रिलीज नहीं हुआ है। जहां पर आप इसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हो। गाइस इसका अगर हम साइज की बात करें तो गाइस 547 एमबी का साइज है जो कि काफी कम है। गाइस अगर हम इसके गेम प्ले के कंपैरिजन में बात करें तो ये गाइस इसका जो साइज है वो काफी ज्यादा कम है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे जो है वो डाउनलोड किस तरह से करेंगे। गाइस काफी ज्यादा हाई रेटेड गेम है, इसे काफी ज्यादा कम समय में जो गाइस इसको रेटिंग अच्छी खासी मिल गई, काफी अच्छे डाउनलोडर्स हो गए। बट गाइस इंडिया में जो हम जैसे यार इंडियंस है वो इस गेम को किस तरह से डाउनलोड करके खेलें ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है क्योंकि गाइस हम तो यार प्ले स्टोर से गेम को डाउनलोड करते और खेलते हैं। तो गाइस अब प्ले स्टोर पर इस तरह का कुछ जो है शो करता है कि दिस गेम आइटम इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। सो गाइस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक ओन लिंक दे दिया है जहां दोस्तों आपको दूसरा एक लिंक मिल जाएगा। ये तो प्ले स्टोर का लिंक है तो प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो अगर आपको प्ले स्टोर पर जाने के बाद इंस्टॉल की ऑप्शन आती है तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको इस तरह का जैसे मुझे शो हुआ कि दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, अगर आपको भी ऐसा ही शो हो रहा है तो गाइस आपको मेरे दूसरे लिंक पे जो है वो क्लिक करना है। अगर आप दूसरे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो गाइस ये वाला जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। जब आप मेरे दिए गए लिंक पे जाएंगे इस तरह का आपको कुछ लिंक देखने को मिल जाएगा जो गाइस सेकंड लिंक है। तो गाइस अगर आप मेरे इस दिए गए इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने चलिए मैं जो है वो सर्च कर लेता हूं। मैं सजेस्ट करूंगा आप क्रोम ब्राउजर का यूज कीजिए और गाइस देखिए आप किसी भी ब्राउजर का वैसे यूज कर सकते हैं तो आपको ये मतलब इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको जहां से स्क्रॉल डाउन करना है नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी आई एम नॉट रोबोट की, ये देखिए जहां पर आपको जो है वो क्लिक कर देना है और जहां पर आगे जो है वो टिक लगा लेनी है। तो गाइस देखिए मैंने जहां पर जो है वो टिक मतलब जो है प्रेस कर दिया, जहां पर टिक लग गई और नीचे लिखा है क्लिक हियर टू कंटिन्यू। तो गाइस नीचे जो है वे देखिए ब्लू कलर में लिखा है क्लिक हियर टू कंटिन्यू, जहां पर आपको क्लिक कर देना है। जहां पर आपको बोला जाएगा 15 सेकंड वेट करने के लिए, तो गाइस आप 15 सेकंड वेट कर लीजिए यार। और गाइस देखिए यार आप 15 सेकंड में कुछ भी कर सकते हैं, कोई गाना गुनगुना सकते हैं, कोई भी मतलब गाइस 15 सेकंड गाइस ऐसे ही आंख झपकते ही जो है वो बीत जाते हैं। सो प्लीज यार 15 सेकंड जो है वो वेट कर लीजिए, आपको 15 सेकंड वेट कर लेना जहां पे। गाइस जहां पर देखिए 15 सेकंड कंप्लीट हो चुका है तो जहां से आपको स्क्रॉल डाउन करना नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी ग्रीन कलर की गेट लिंक की, देखिए जहां पर। तो गाइस आपको गेट लिंक पे क्लिक कर देना और किसी और पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे तो आपको उस पेज को जो है क्लोज करके वापस इसी पेज पे आ जाना है। फिर आपको दोबारा गेट लिंक पे क्लिक करना है, फिर हो सकता है आप फिर दूसरी बार जो है किसी और पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, फिर आपको उसे क्लोज करके इसी पेज पे आ जाना है। फिर गाइस दो तीन बार ऐसा होगा तो गाइस जब आप तीसरी बार गेट लिंक पे क्लिक करें तो आप इस तरह के जो मतलब वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। जहां पर देखिए डायरेक्ट डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, देखिए जहां पर गाइस 547 एमबी का साइज है। तो जहां से गाइस आप जहां पर आपको कोई भी पॉपअप शो नहीं कर रहा कि गाइस दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, सो जहां से आप इजीली अपनी गेम को जो है डाउनलोड कर सकते हो। जहां पे गाइस आप अपने जो है गेम को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद एक जिप फाइल गाइस आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी। तो उस जिप फाइल को आप किसी भी गाइस मतलब एक्सट्रैक्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप जेड आर्काइवर का मतलब जेड आर्काइवर एप्लीकेशन का यूज करें। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर है तो गाइस अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको जेड आर्काइवर एप्लीकेशन का तो पता ही होगा, वो बेसिकली जो भी किसी भी जिप फाइल को जो है वो एक्सट्रैक्ट कंप्रेस करने में काम में आता है। तो गाइस काफी बढ़िया एप्लीकेशन है, अगर आप एक गेमर हैं तो आपके फोन में गाइस जो जेड आर्काइवर एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होना ही चाहिए। तो गाइस मैं उसका भी लिंक दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, सीधा से सीधा आपको प्ले स्टोर से जो जेड आर्काइवर एप्लीकेशन है उससे भी इंस्टॉल कर लेना है। फिर गाइस आपने ये वाली जो जिप फाइल डाउनलोड की है गेम की, तो गाइस आपको इसे सिंपली एक्सट्रैक्ट कर देना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास दो फाइल्स आ जाएंगी, एक एपीके फाइल होगी और एक ओबीबी फाइल होगी। तो गाइस एपीके फाइल को आप सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे अपने एंड्रॉइड फोन में और ओबीबी फाइल को एंड्रॉइड में जाकर मतलब आपको फाइल मैनेजर ओपन करेंगे। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको जो ओबीबी फाइल है उससे गाइस से कट कर देना है और गाइस एंड्रॉइड फोल्डर में जाके फिर ओबीबी फोल्डर में जाके उसे जब वहां पर जो है वो पेस्ट कर लेना है। अगर आप में ओबीबी फोल्डर नहीं है तो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। यार अगर आप मेरे सब्सक्राइबर तो आपको इतना ही पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस वीडियो को देख के ये सब काम जो है वो कर सकते हो। तो गाइस आप इस तरह से जो है वो अपनी गेम को जो है प्ले कर सकते हो। तो गाइस इस तरह से आप अपनी गेम को इंस्टॉल कर लेंगे। गाइस प्ले स्टोर से नहीं करना, आपको मेरे दिए गए लिंक पे से ही उस गेम को जो है वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद गाइस आप वीपीएन का यूज करें। जी दोस्तों, आप किसी
किसी भी VPN का यूज कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप पावर VPN या मास्टर VPN किसी का भी यूज करें गाइस। अगर आप किसी भी VPN का यूज करते हैं तो आप उस VPN का भी यूज कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। तो गाइस VPN के मामले में मैं ये नहीं कहूंगा, आप जिसका भी यूज करना चाहे वो VPN का यूज कर सकते हैं। पर गाइस आपको VPN से जो मतलब VPN का यूज है वो करना है। VPN एक क्या करता है कि आपके वो सर्वर के बीच में टर्मिनल जो है वो गाइस क्रिएट कर देता है कि जिसकी मदद से गाइस आप अपनी कंट्री के लिए कोई भी चीज अवेलेबल ना होते हुए भी उस मतलब उस चीज को उस गेम को या किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो अपनी कंट्री में ही। छे दोस्तों तो काफी बढ़िया मतलब यार काफी बढ़िया बढ़िया VPN है प्ले स्टोर पर ही और मतलब गाइस डायरेक्ट ऑफिशियली प्ले स्टोर पर है, तो आप किसी भी VPN का जो यूज है वो कर सकते हो। तो गाइस इस तरह से आप अपनी इस गेम को जो है एंड्रॉइड में इंडिया में गाइस प्ले कर सकते हो। आई होप आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी हो, काफी कुछ जो है नया सीखने को मिला हो, समझने को मिला हो। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। आप नहीं जानते कि आपका हेड मतलब एक लाइक से हमें कितना मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो प्लीज अभी जाइए इस वीडियो को बड़ा सा लाइक कर दीजिए गाइस, अभी जाइए इस वीडियो को यार लाइक जरूर कर दीजिए। काफी लोग जो है लोग लाइक करने में काफी कंजूसी करते हैं। सो यार ऐसा मत किया कीजिए, अगर आपको कोई भी YouTube पे वीडियो पसंद आते हैं तो उसे लाइक करना गाइस ये आपका फर्ज बनता है। सो प्लीज अभी जाइए इस वीडियो को बड़ा सा लाइक कीजिए और इस वीडियो को जैसे शेयर करें ताकि गाइस जो लोग मतलब यार जो लोग इस गेम को जो एंड्रॉइड में जो है डाउनलोड करना चाहते हैं बट वो इंडिया में रहते हैं तो मतलब यार आप उसे इस तरह का शो होता है अगर आप वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, तो उनको नहीं पता कि कैसे डाउनलोड, उनको भी गाइस इसकी नॉलेज हो सके और वो भी इस गेम को इंडिया में रहते हुए जो है वो डाउनलोड करके प्ले कर सके। तो गाइस इस वीडियो को जैसे शेयर करें, अपना कोई भी सवाल तो नीचे कमेंट करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हम कोई भी नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। सो प्लीज अभी जाइए इस वीडियो को बड़ा सा लाइक कर दीजिए और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। गाइस इस चैनल पर मिलती है गेम के रिलेटेड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड 100% रियल और जेन्युइन वीडियो सबसे पहले, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। और गाइस अगर आप मेरी गाइस लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं, मेरे से पबजी मोबाइल गेम खेलना चाहते हो गाइस, मैं पेड एंड्रॉइड गेमिंग और माय प्ले स्टेशन जो चैनल है यूट्यूब पे उनके साथ जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग करते रहते हैं पबजी मोबाइल की और काफी बढ़िया बढ़िया जो गेम्स हैं उनकी। तो गाइस अगर आप मेरे साथ जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं या गाइस देखना चाहते हैं मेरी लाइव स्ट्रीमिंग, तो गाइस आप मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मेरे सेकंड चैनल का नाम है पबजी प्रो मास्टर, डिस्क्रिप्शन लिंक है, दूसरे चैनल को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उससे भी आप जो है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मैं वरुण कुमार मिलता हूं आपसे कैसी नई। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाई।